और परचून की दुकान पर पहुंचे तो एक छड़ी थी हाथ में, डंडे से पूछा इस डब्बे पे क्या है, तो उसने बोला जी इसमें नमक है, कहते इसमें कहते मिर्च है, कहते इसमें हल्दी है, अनेक बताते जा रहा है इसमें खांड है, इसमें चीनी है, इसमें शक्कर है, इसमें मिश्री है, और लास्ट में एक डब्बा था, बोला इस डब्बे में क्या है, बोले इसमें राम है, इसमें कृष्ण है, इसमें ईश्वर है, इसमें परमात्मा है। उसने कहा परमात्मा इस डब्बे में, लाला क्या बात है, उन्होंने कहा देखो बाबा हम अपने यहां किसी चीज को बताते नहीं, ये डिब्बा खाली है और जिस डिब्बे में कुछ नहीं मानते रहता हम ये कहते हैं कि इसमें परमात्मा है। साधु वहां से चल पड़ा, कहते मैंने आज तक नहीं समझ पाया, एक लाला एक दुकानदार ने समझा दिया कि जो खाली होगा उसमें ही परमात्मा का वास होगा, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर होंगे वहां परमात्मा हो सकता है नहीं हो सकता। और इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको वाणी का श्रवण करना पड़ेगा, वाणी का वांचन करना पड़ेगा, संतों की संगति करनी पड़ेगी, और ऐसा अवसर जब आए तो सारा काम छोड़ करके उस सत्संग में बैठना पड़ेगा। हमारा जीवन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, सांसें गिनती की मिलती है, उल्टी गिनती गिनता प्राणी, जब एक वही रह जाता है तब होती खत्म कहानी, ब्रह्म नींद न यदि फिर भी टूटे आनंद जागरण का क्या होगा, इस पार मरण का आलिंगन उस पार न जाने क्या होगा। हम उल्टी गिनती गिनते हैं, हम गिनते हैं 25वां साल आया, और जो 25वां साल आया खूब बढ़िया मनाई, बोले ना हैप्पी बर्थडे, 50 साल पूरे हुए। साधुओं में तो षष्ठी पूर्ति का बड़ा महत्व है, 60 साल का जब साधु होता है तो बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है, जबकि वास्तविकता क्या है कि हमारे जीवन के उतने वर्ष समाप्त हो चुके। हमें आगे का देखना है, और आगे का जब हम देखेंगे तो हमारे जैसे अभी अभी मैं अपने प्रधान जी के श्रीमुख से सुन रहा था कि जो हमारे संत गुरुजन परमहंस हुए हैं, उन्होंने महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी और सदगुरु धनश्री देवचंद जी दोनों हादियों के चर कदमों में कदम रखा, उनके दिखाए मार्ग पर चले, हमको भी यही करना है कि जो जहां से निकला है अपने मूल से अपने मूल में वापस जाए, और ऐसा ही जो ये चतुर्थ शताब्दी की यात्रा है, ये चतुर्थ शताब्दी की यात्रा यहां के बाद कहां पहुंच रही है, मेरे कानों पे टोपी लगी हुई है कम सुनाई देता है, तो जोर से बोलेंगे जरा शेरपुर, हाँ शेरपुर, और शेरपुर में इस बार कार्यक्रमों की त्रिवेणी है, दादा गुरु का 88वां पुण्य स्मृति महोत्सव, महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी का चतुर्थ शताब्दी महोत्सव, और परमहंस सदगुरु श्री राम रतन दास जी महाराज का 125वां प्रागट्य महोत्सव। इस अवसर पर हमारे जयपुर के ही हर्ष जी अब वहीं रहेंगे, मूल मिलावा बनवा रहे हैं, बड़ा सुंदर है ना,
ये रहेंगे और आप समस्त सुंदर साधु को आना ही है, क्योंकि प्राणनाथ जी की पंचम चतुर्थ शताब्दी में कोई रहेगा क्या? पांचवी चतुर्थ शताब्दी में कोई रहेगा 500 साल में? हाँ, पंच शताब्दी में। और चलो अच्छा, इसमें नहीं रहेंगे। सदगुरु परमहंस श्री राम रतन दास जी महाराज जी के 150वें प्रागट्य महोत्सव में हम रहेंगे, इस बात की गारंटी। और रहें तो भी हम इतनी स्फूर्ति, इतने जोश के साथ रह पाएंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दो तो बड़े महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, जिसकी वजह से आपको आना ही आना है। हमारे अशोक भगत जी हैं, कमल जी हैं, ललित जी हैं, इन सब ने बस की व्यवस्था करी है और हर साल एक बस आती है। तो अगर इस बार एक बस आई तो फिर हम ये मानेंगे कि जयपुर वालों में उत्साह नहीं था। इसलिए बस दो या तीन होनी चाहिए, है ना? और सभी लोग वहां पर आए, इनसे संपर्क कर सकते हैं। माताओं में सदगुरु की लाडली है हमारी स्वर्णा आहूजा माता जी, है ना? खड़ी हुई है माता जी, जरा एक बार खड़ी हो जाए। मैं बहुत चुपके चुपके से आपको देख रहा था, है ना? तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी कहाँ गई स्वाति माता जी हैं, भाजपा युवा क्या महिला मोर्चा से, तो फिर प्रणामी महिला मोर्चा से भी हो जाएंगे शेरपुर के लिए। तो आप समस्त सुंदर साथ इन सब लोगों से संपर्क करें। और इस बार जयपुर से एक बस नहीं आनी चाहिए, एक से ज्यादा है, क्योंकि इस वर्ष शब्द दिवसीय न हो करके 8 दिन का कार्यक्रम है। 17 अप्रैल 2018 से श्रीमद् भागवत की कथा और 18 अप्रैल 2018 से 125 पारायणों का शुभारंभ होना है। 22 तारीख को संडे भी है शायद, और सदगुरु महाराज जी का झीलना, वार्षिक झीलना जो समाधि का होता है वो होना है। 23 को शोभा यात्रा जो होती है और 24 को पूर्णा होती है। आप समस्त सुंदर साथ के चरणों में पुनः वंदन और प्रणाम करते हुए, आप सबकी प्रतीक्षा में हम सब लोग शेरपुर के वहां पर रहेंगे और आप सबकी प्रतीक्षा करेंगे। और पूरी इस आशा के साथ कि शेरपुर धाम में जयपुर सुंदर साथ दो या तीन बसों के साथ पहुंचेगा, आप सबको सादर आमंत्रण है। और आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग परम धाम में पहुंचने वाले हैं रास के लिए, है ना? तो सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपके और उनके बीच में ज्यादा देर तक बाधा न बनते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन जयकार मैक नीचे तभी रखूंगा जब जयकारा बोलेंगे। और जयकारा देख लेना, जिसने जयकारा न बोला उसे अपने पड़ोसी की कसम। अब सोच लेना बगल में कौन बैठा है, आपका पड़ोसी कितना प्रेम करता है, समझ लेना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा सदा ईद, परमहंस शरणदास जी महाराज आपकी सदा सदा ही जय। तो बोलने बोलो।